वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग फॉर किड्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैच ट्यूटोरियल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो छोटा सा एक गेम डेवलपमेंट है जो स्क्रैच है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हमको बनाना है वहाँ हमको अपने मन में सोचना है। तो हम लोग सबसे पहले स्क्रैच पे आ जाते हैं, बना सकते हैं, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़े थे स्टार्टिंग में, ये मेरा क्या है, इनपुट एरिया है, ये आउटपुट एरिया है। यहाँ पर जो भी कमांड्स लिखना है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर मेरा आउटपुट शो होगा। तो मानते हैं यहाँ पर जो भी हम लोग को प्रोग्राम बनाना है उसको सबसे पहले मन में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर लॉजिक लगाएंगे। तो हम लोग सपोज़ हम लोग को क्या करना है, किसी मतलब अपने नाम को, किसी लेटर्स को क्या करना है, डेकोरेट करना है। किस तरह से हम लोग उसको डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए तो हमको बिल्ली को हटाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बिल्ली को हटा लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, बिल्ली को कट कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, कोई यहाँ पर एक बैकग्राउंड अगर लेना है तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, न्यू बैकड्रॉप पर जाएंगे। न्यू बैकड्रॉप पे जाने के बाद हम लोग कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, इंडोर आउटडोर होलीडे कैस्टल, यहाँ पे कुछ भी है हम लोग इंडोर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बलून है ये वाला ले लेते हैं हम लोग, चाहे या फिर स्टेज कोई कुछ भी ले लेते हैं। रूम 3 हम लोग यहाँ पे रूम ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग को लिखना है क्या, हम लोग को कुछ लेटर्स लिखना है, उसको क्या करवाना है, डेकोरेट करना है। लेटर्स को क्या करना है, कलरफुल बनाना है, कलर चेंज करना है लेटर्स का। तो हम लोग यहाँ पे पहले जाएंगे न्यू स्प्राइट पे। न्यू स्प्राइट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए लेटर्स है तो लेटर्स ले लेते हैं, लेटर्स पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए सारा लेटर्स आ गया। अब हम लोग को जो लेटर्स लेना है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो मानते लेते हैं हम लोग पी ले लेते हैं, सपोज ए बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं आप। हम लोग आप अपने नाम को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पी हम ले लिए। ठीक है, पी सिलेक्ट करने के बाद पी को हम लोग कहीं पे, यहाँ नहीं चाहिए पी को तो हम पी यहाँ पे रखते हैं। अब इस पी का हम लोग को कलर चेंज करना है। अभी पी तो इस तरह से है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएँगे, इसके इवेंट्स पर जाएँगे। तो यहाँ पे जो भी है सबसे वेन फ्लैग क्लिक्ड, ठीक है, वेन स्पेस बार मतलब वेन कोई की दबाएंगे तो इसका कलर चेंज होगा, या फिर वेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को इसका कलर चेंज होगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग क्लिक कर लेते हैं बेसिक। तो सबसे फर्स्ट वाला लेते हैं वेन फ्लैग क्लिक, ठीक है, इसके लिए लेते हैं। फिर हम लोग को क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, मतलब हम लोग को इसका लुक्स चेंज करना है कलर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 पे जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करेंगे किस तरह से, कंट्रोल पे जाएंगे, हम लोग को रिपीट 10 सेकेंड पे करना है, रिपीट 10 करना है या फिर फॉरएवर करना है। तो हम लोग फॉरएवर के लिए ही रहने देते हैं, फॉरएवर ले लेते हैं। फॉरएवर हम लोग यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कलर इसका चेंज होता है कि नहीं। वेन फ्लैग क्लिक, तो यहाँ पे फ्लैग को क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पे है कि प्रोग्राम को रन करवाने के लिए है, ये रेड वाला है प्रोग्राम को स्टॉप करवाने के लिए। तो सबसे पहले इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या है, इस पी का जो है वो कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस पर कर सकते हैं। अब हम लोग इस तरह से कोई और लेटर ले सकते हैं, कोई भी लेटर्स लेकर हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। अब कोई दूसरा लेटर लेते हैं जैसे पी क्यू आर, तो कोई और लेटर लेने के लिए हम लोग फिर जाएंगे न्यू स्प्राइट में। न्यू स्प्राइट में जाने के बाद फिर लेटर्स पे लेते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं ए। सपोज हम लोग लिए ए, तो हम लोग यहाँ पे ए आ गया, तो ए को हम लोग यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पे ए को रख लिए। अब हम ए के ऊपर कमांड देंगे, जिसको हम लोग को
कलर करवाना है उसके ऊपर कमांड देंगे, तो ए के ऊपर अब कमांड देंगे, यहाँ पे ए आ चुका है। तो सबसे पहले इसका को हम लोग क्या करेंगे, इवेंट्स पे जाएंगे, वेन फ्लैग्ड क्लिक, जब फ्लैग क्लिक होगा तभी इसका कलर चेंज होगा। अब हम लोग को इसको लुक्स पे जाना है, चेंज कलर इफेक्ट बाई 25, चेंज कलर इफेक्ट बाई 25 यहाँ पे डाले। उसके बाद हम इसको कंट्रोल करेंगे, फॉर एवर इसमें भी डाल देते हैं, फॉर एवर डालते हैं, फॉर एवर डालते हैं। अब देखते हैं चेंज कलर, अब फ्लैग पे क्लिक करते हैं, देखते हैं अब फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो दोनों लेटर्स क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर कोई और लेटर डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं, या फिर अपना नाम यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो एक और लेटर ले लेते हैं कोई, तो ये था मतलब एक छोटा सा एग्जांपल कि हम लोग मतलब ये छोटा सा एक प्रोग्राम था कि लेटर का कलर हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। तो इसको रोटेट करवाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। फिर हम लोग इस पर अगर जाते हैं, इस पर अगर हम लोग कमांड देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग इस पर मोशन पे जाते हैं, मोशन पे हम लोग करते हैं टर्न 15 डिग्री, इस तरह से यहाँ पे टर्न अगर 15 डिग्री कर देते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। इस पर ए पे के ऊपर कमांड दिए हैं तो अब क्या होता है, 15 डिग्री से ये क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है इस तरह, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर भी कमांड देते हैं। अगर पी के ऊपर भी हम लोग कमांड देंगे, इसको पहले स्टॉप करते हैं, पी के ऊपर कमांड देना है तो हम लोग पी को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम लोग को रोटेट करवाना है तो इसके ऊपर भी मोशन टर्न 15 डिग्री, टर्न 15 डिग्री किए, यहाँ पे डाले। अब यहाँ फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दोनों टर्न कर रहा है 15 डिग्री से इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोई भी लेटर लिखकर इसको इस तरह से हम लोग रोटेट करवा सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे डिग्री चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग डिग्री चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लोग पहले प्रोग्राम को स्टॉप कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री अगर डाल देते हैं, 30 डाल देते हैं, देन क्या होता है, 30 डिग्री डाले, अब देखते हैं क्या होता है। फ्लैग पे रन करवाते हैं, देखिए ये तेज़ी से घूम रहा है, ये थोड़ा स्लो घूम रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री भी चेंज करके इसको स्पिन करवा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम, आप यहाँ पे कोई भी किसी भी लेटर को लिखकर, अपने नाम को लिखकर या फिर कुछ भी लिखकर यहाँ पे आप इस तरह से अपने लेटर ये प्रोग्राम मतलब गेम बना सकते हैं। तो ये था कोडिंग फॉर किड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।